नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। सो इस क्लास में हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करो मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें मैं पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री करूँगा, जो आपके पीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत से शुरू करूँगा मैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से शुरू करूँगा, जिसमें पाँच मेन जो जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बनारस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो वही वही चीज़ें मैं कैटेगराइज करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा नाम शुभम मिश्रा है। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अकेडमी पर भी डेली 1 घंटे की लाइव क्लास लेता हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और भी मैंने मैथमेटिक्स का मैंने टाइम टेबल क्रिएट करके रखा है, आपको मेरे कम्युनिटी में सेक्शन में जाके आपको वहाँ पे टाइम टेबल मिल जाएगा, किस दिन कौन सा वीडियो आएगा वो सब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीधे सीधे सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, जिसमें पांच रूलिंग डायनेस्टी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला था लिबारी, ये द इलबरी, ठीक है। इलबरी इलबरी था, 1206 से 1290 AD तक था, ठीक है। दूसरा खिलजी था, खलजी कहते हैं या फिर खिलजी भी कहते हैं, 1290 से लेकर 1320 था। दूसरा तीसरा तुगलक हैं, जो 1320 से लेकर 1413 तक थे। फिर उसके बाद सैयद हैं, जो 1414 से लेकर 1451 तक थे। फिर जो लोधी थे, 1451 से लेकर 1526 के बीच थे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इलबरी जो है इसको इसको क्या कहते हैं, द स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, इसमें कुतुबुद्दीन इसमें का कुतुबुद्दीन इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था, ठीक है। फर्स्ट तुर्क रूलर ऑफ दिल्ली, ये फर्स्ट तुर्क रूलर था दिल्ली का। फिर उसके बाद आरम शाह आया, उसका बेटा आरम शाह आया, ठीक है। फिर उसके बाद आए आए इल्तुतमिस, इल्तुतमिस आया, ठीक है। फिर इसे इल्तुतमिस को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, ठीक है। फिर इसने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। फिर इल्तुतमिस के बाद रजिया रजिया सुल्तान आई, फिर नसरुद्दीन महमूद आए, फिर बलबन आए, फिर ठीक है बलबन आए, फिर उसके बाद कैकुबाद आए, ठीक है। उसके बाद कैकुबाद आए, फिर रकुद्दीन फिरोज आए, फिर फैज मैजुद्दीन बहराम आए, ठीक है। बहरूम के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह आए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, याद मैं आपको बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है आपको, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, रजिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा, बलबन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में अब हम शुरू करें, ठीक है। पहला रूलर पढ़ेंगे कौन, तुर्क ऑफ द ऐबक ट्राइब, ठीक है। तुर्क ऑफ द ऐबक ट्राइब यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जो 1206 से लेकर 1210 के बीच था, ठीक है। 1206 से लेकर 1210 के बीच था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पक्का आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ही वॉज द तुर्क ऑफ द ऐबक ट्राइब, ही वॉज ऐबक ट्राइब का क्या था, तुर्क था, ठीक है। ही वॉज क्राउन एट लाहौर लेटर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी के मौत के बाद इसको क्राउन मिल गया था लाहौर का, ठीक है। ही डिड नॉट मेक एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट एंड रूल्ड फ्रॉम द लाहौर, ठीक है। उन्होंने कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, कोई किसी को हराया बुराया नहीं, किसी से लड़ाई बड़ाई नहीं की, ठीक है। सीधा सीधा सिर्फ उन्होंने क्या किया, लाहौर से क्या किया, रूल किया, शासन किया, ठीक है। 1210 में क्या खेलते हुए हाँ मार गया, चौगान खेलते हुए मारा गया, जिसे हॉर्स पोलो भी कहते हैं। हिंदी में आएगा तो चौगान होगा, चौगान चौगान, ठीक है, चौगान होगा। और इंग्लिश में आएगा तो हॉर्स पोलो खेलते खेलते मारा गया और गिर के मर गया था। याद रखिएगा, ये बहुत बार आया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा, तो कैसे क्या खेलते हुए, चौगान खेलते हुए यानी हॉर्स पोलो खेलते हुए मारा गया, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम फेमस फॉर हिज जनरेशन लाल बख्श, ठीक है। जनरेशन, ठीक है, अपने जनरेशन मतलब अपनी दया के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसका नाम लाल बख्श था, लाल बख्श मतलब लाखों लुटाने वाला, क्या कहता था, गिवर ऑफ लाक्स, लद्दाख नहीं सॉरी लाक्स होगा, यहाँ पे के एच होगा, होगा लाक्स देने वाला, मतलब लाखों उपहार में देने वाला, इसीलिए लाल बख्श इसको कहा जाता था। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू इल्तुतमिश, इसने अपनी बेटी का शादी इल्तुतमिश से किया, ठीक है। फिर इन्होंने कुतुबुद्दीन मीनार का कुतुब मीनार का फाउंडेशन दिल्ली में रखा, कुतुब मीनार का फाउंडेशन दिल्ली में रखा, और किसके नाम पे रखा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमेशा किसी न किसी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछ देता है, बीएचयू के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन था किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और किसके नाम पे रखा था, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखिएगा, जो किस सूफी संत के नाम पे रखा गया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, ख्वाजा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा था, ठीक है। बट यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसने कंप्लीट नहीं करा पाया, कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट नहीं करा पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु थी, मृत्यु होगी, उसको कंप्लीट कराने वाला कौन इंसान था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कौन था, उसका दामाद, याद रखिएगा, इल्तुतमिश कौन था, उसका दामाद था, ठीक है, राइट।
पेट्रोनाइज बाई हसन निजामी, ठीक है। इसने क्या किया था, हसन निजामी को इसने पेट्रोनाइज कर लिया था। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, अपने दरबार में रख लिया था, फिर उनका उनकी देख रेख करता था, उनकी सर्विसेज लेता था, ठीक है। और जिन्होंने हसन निजामी ने क्या लिखा था, ताज उल मासी, क्या लिखा था, ताज उल मासी लिखा था, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐबक, ऐबक ने पहला मास्क कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम कहाँ पे बनाया था, कुवत उल इस्लाम इन्होंने दिल्ली में बनवाया, ठीक है। कुवत उल इस्लाम इसने दिल्ली में बनवाया पहला मास्क, मतलब पहली मस्जिद, ठीक है। फिर उसके बाद ऐबक ने क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे बनाया, अजमेर में बनाया, ठीक है। तो ये छोटा सा कुछ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। विक्ट्री ऑफ ऐबक, ऐबक की विक्ट्री के बारे में बात जान लेते हैं। 1194 क्या किया अजमेर ने, अजमेर में इसने इसने जीता, अजमेर को जीता। फिर उसके बाद 1197 में एनहिलाबाद, एनहिलाबाद को जीता। फिर बदायूं को जीता, वाराणसी को जीता, ठीक है। चंद्रवार, चंद्रवार को जीता। फिर 1200 के आसपास, 1202 1203 में बुंदेलखंड को जीता, कलिंजर को जीता, महोबा को जीता, फिर खजुराहो को जीता, ठीक है। ये सब कुछ फेमस विक्ट्री है ऐबक की, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ठीक है नाम मात्र की सब विक्ट्रियाँ हैं, जिसमें इसको इसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इसको जीतने में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो चलिए फिर से एक वीडियो ख़त्म होने वाला, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इल्तुतमिस के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिस के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या इसमें इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन था, इल्तुतमिस था, बट शुरू किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इल्तुतमिस क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उन्होंने इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार का क्या किया था, फाउंडेशन रखा था। इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, किसके किसके नाम पे रखा गया था, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पे किया गया था। और किस कैसे मारा मारा गया, वो चौगान खेलते हुए गिर गया, चोट लगी और मारा गया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, पहली मस्जिद दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। और हसन बिन निजामी को उसने क्या किया था, पेट्रोनाइज किया था, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें याद रखने लायक है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कल, ठीक है। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।